अस्सलाम वालेकुम राजा के ब्लॉग पे जी, एक नए इंटरेस्टिंग और डिफरेंट ब्लॉग के साथ खुश रहें, आबाद रहें। तो अभी जनाब मैं आज अभी जा रहा हूँ बाज़ार, यहाँ से बाइक का ऑयल चेंज करवाना है और पेट्रोल वगैरह डलवाना है, फिर आज जाना है ससुराल। तो जनाब ये है कि मैंने कहा चलें जी ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले जनाब ये ऑयल चेंज करवाने के लिए मैं मोटरसाइकिल वाली शॉप पर जा रहा हूँ। ये जनाब यहाँ भी आया हूँ मोटरसाइकिल वाली शॉप पर। बेटा त्याल हो गया, किधर जा रहे हो? मामा के साथ मैं पापा जा रहे हो, मजा करोगे? नाना बू के घर जा रहे हैं जी बच्चे। ठीक है जी, इब्राहिम साहब किधर गए हैं? नीम किधर गया? नीम भी तैयार हो गया जी। तो जनाब ससुराल जाने के लिए घर से निकले हैं, तो रास्ते में ये पार्क है छोटा सा, यहाँ पे रुके हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं अबू लोंग के पास और रास्ते में रुके हैं एक जगह पे, ये रेस्टोरेंट भी है साथ में, इन्होंने ये बच्चों का जो है वो प्ले एरिया बनाया हुआ है। तो जब भी हम इधर से गुजरें, ईसा की फरमाइश होती है कि हम लाजमी इधर झूले लें। तो ये देखें जी, ईसा और इब्राहिम जो हैं वो झूले ले रहे हैं, लेकिन इब्राहिम थोड़ा सा डर रहा है। तो जी ये देखें, तो बच्चों ने कहा था कि हमने झूले झूले लेने हैं, तो रात रास्ते में रेस्टोरेंट है वहाँ पे रुके हैं, उनका वो पार्क वाला खेलने वाला बच्चों के एरिया है। तो उधर ये और भी बच्चे झूले ले रहे हैं, तो ये ईसा इब्राहिम ने कहा है कि हमने भी, मैंने कहा चले ठीक है जी। अच्छा यकीन करें ना, ये जो ज़िंदगी के दिन होते हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है ना, टेंशन ना रौले ना मसले। ये देखें जी, ये अपनी यादें स्लाइड। तो जनाब ये है कि मैं भी ज़रा बच्चा बन लूँ। तो ये जनाब वहाँ से निकले हैं, तो ये जनाब इस ब्रिज से हम गुज़र के क्रॉस करते हैं और जाते हैं ससुराल। ये ब्रिज है ऊपर, इसके ऊपर ट्रेन भी गुज़रती है लेकिन मोटरसाइकिल भी गुज़र सकते हैं। राइट साइड वाली इसकी जो है वो आने वालों की है इधर, और लेफ़्ट साइड जाने वालों की, ठीक है। तो ये दरिया झेलम के ऊपर है, ये मलकवाल, पिंडादल खान, चकवाल, मंडी बाउलदीन, सरगोदा के ज़िला को मिलाती है। अच्छा इस पुल की ना एक मुनफरद चीज़ बताऊँ, ये 15 मिनट के अंदर ना पाकिस्तान का वाहिद पुल है जिसमें चार ज़िला चकवाल, झेलम, सरगोदा और मंडी बाउलदीन 15 मिनट के अंदर अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है। ये इतना मुनफरद पुल है कि इसका फ़ायदा है, लेकिन अभी कितने अर्से हो गए इन्होंने पुल नहीं बनाया, क्योंकि ये है कि बड़ी दफ़ा इसके अफ्ताह हुए हैं, लेकिन ये है कि इन्होंने किसी हुक्मरान ने भी आके इसको गाड़ियों वगैरह गुजरने के लिए बना दें तो बड़ा फ़ायदा है। तो ये रास्ते में रुके हैं जी, मिस्त्री ने कहा था मैंने नमाज़ पढ़नी है, तो उन्होंने वजू किया हुआ, ज़रा टाइम जा रहा था, नमाज शमाज। जाओ
ये जनाब यहाँ पे रुके हैं, एक ये था ढाबा सा, उसके नीचे इधर नमाज ज़ोर की अदा करने लगे हैं ये जनाब। तो ये जनाब हम अभी पहुंच चुके हैं ससुराल, तो ये हवेली में आए हैं जी, बच्चे खेल रहे हैं जी, इंजॉय कर रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं। तो ठीक है जी जनाब, आज का ये जो व्लॉग है यहाँ पे भी तक ही ख़त्म करते हैं, काफ़ी क्योंकि लंबा व्लॉग हो गया है। अगले व्लॉग में यहाँ की जो रूटीन है, यहाँ की जो चीज़ें हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़, फिर बात करेंगे जी। ta 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 ta